got you and your vibes in my mind. I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your hardness. इसके अंदर प्यारा कोई नहीं है घर में, सही में देखो क्या आराम से सोया है। Hey guys, boss, welcome back to another vlog. And अभी मैं जा रहा हूँ बी गार्डन एंड चलते हुए अच्छे से vlog बनाते हैं, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए हुए। सो गाइस, रोड आ चुके हैं एंड पहले चलना है ऑटो स्टैंड, उसके बाद ऑटो में बैठ के हावड़ा। ऑटो में एंड चलते पहले हावड़ा, उसके बाद वहाँ से बस। सो गाइस, तो हावड़ा आ चुके हैं एंड जैसा कि मैं अभी जा रहा हूँ बी गार्डन, तो मैं बी गार्डन का अच्छे से टाइम बता दूंगा कितने बजे तक खुला हुआ था, बिकॉज बी गार्डन ना गूगल में शो कर रहा है कि 4 बजे तक खुला हुआ है, तो अभी लगभग 3 बजने वाला, 2:20 हो रहा है, तो समझ लो पहुंचने में 3 बज जाएगा, तो 1 घंटा बचेगा हम लोग घूमने का। अगर एक्स्ट्रा टाइम खुला हुआ रहेगा तो वही मैं टाइम शो कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा एंड मैं बता भी दूंगा वीडियो में, एंड आपको यही बता दूंगा कौन सा बस वहाँ तक जाता है। एंड अभी जा रहे हैं हम लोग बस के पास और मैं दिखाता हूँ कौन सा बस जाता है। वैसे मेरे को भी खोजना पड़ेगा बिकॉज मैं बहुत पहले गया था बी गार्डन। अरे भाई यहाँ, अस्सलाम वालेकुम, चलो देख लेते हैं बस कौन सा जाएगा। ये ना शिवपुर शालीमार शायद ये जाएगा, पूछ लेते हैं। 61 नंबर जा रहा है, 61 पूछते हैं ये जाएगा कि नहीं। भैया बी गार्डन जाएगा ये वाला, बी गार्डन ये जाएगा। बी गार्डन बस मिल चुका है, येला बस जाएगा बी गार्डन। एंड कितना बजे खुलेगा, कितना बजे खुलेगा अभी येला बस, कितने देर में खुलेगा? 10-15 मिनट में खुलेगा, टाइम बता दो कितना हो रहा है। 2:23 हो रहा है, समझ लो 2:30 बजे खुलेगा या 2:40 तक खुलेगा बस, जो कि 2:30 में आपको जो बस मिलेगा वो 2:40 तक खुलता है। तो ये बस मिल चुका है, बस चलते हैं बैठते हैं एंड बी गार्डन। वो था 61 नंबर, ये 80 नंबर शायद ये भी जाएगा, पूछ लेते हैं। शिवपुर का ही बस खड़ा हुआ है, कोई है नहीं, ये बस अभी एक निकला है, पूछ लेंगे। बस सेम नंबर लिखा हुआ शालीमार एंड ये सब लिखा हुआ आंडुल, तो पूछ लेंगे यार कोई होगा आएगा तो ये बस वाले से भी, तो हो सकता है 80 नंबर भी जाए एंड 80 नंबर भी बिगाड़ने जाता है, 61 नंबर भी बिगाड़ने जाता है, तो भी आपको खड़ा मिल जाएगा। हावड़ा ऑटो स्टैंड के पास आना, दोनों बस मिल जाएगा। सो गाइस, ये रहा बी गार्डन, आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन। यहाँ पे कुछ खाने का एंड यहाँ से एंट्री। आ चुके अंदर, टिकट काउंटर, एंट्री टिकट काउंटर, देखो ये रहा एंट्री टिकट काउंटर। एंड 10 रुपये के टिकट है एंट्री का, देखो ये रहा 10 रुपये इंडियन सिटीजन एंड स्टिल फोटोग्राफी 20 रुपये, पूरा चीज़ें चार्ट यहाँ पे लिखा हुआ। और आ चुके हम लोग अंदर, ये नेचर्स ब्यूटी एंड नेचर्स साउंड। बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो चुका है। मैं बचपन में यहाँ आया था, उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ एंड बहुत ज़्यादा चेंज है, मतलब मेरे को कुछ भी याद नहीं है कि कैसा था कैसा नहीं था, बट फिर भी स्टिल इतना तो याद है कि चेंज हुआ है यहाँ। सो गाइस, तो हम लोग अभी बी गार्डन के अंदर, आप लोग देख सकते हो बहुत खूबसूरत है, बहुत चेंजिंग हुआ है यहाँ, बहुत चेंजिंग हुआ है। चलते हम लोग अंदर में और मैं धीरे करके पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। देखो ये पूरा एरिया, तो गाइस, तो फैमिली के लिए ना ये बहुत बेस्ट प्लेस है, बहुत ही बेस्ट। पहले मैंने सुनता था कि बहुत ख़राब हो चुका है, पर ये एरिया बहुत ही अच्छा है फैमिली के लिए। पूरा खाली खाली है, गर्मी आज ज़्यादा है, शायद इस वजह से खाली हो, पर खाली है अभी। सो गाइस, देख सकते हो कितना खूबसूरत है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है ये। तो हम लोग और अंदर चलते हैं एंड मैं अच्छे से पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ। ये वाला ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, देखो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा। ये दोनों तरफ जो पेड़ है ना, इसीलिए। एंड चलते हुए हम लोग आ चुके हैं यहाँ, क्या खूबसूरत है, ग्रीन ग्रीन फुल ग्रीन, ओ भाई। एंड ये देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। सो गाइस,
एंड मैं यहाँ अकेले आया हूँ, इसीलिए मेरे को ना सिर्फ सिनेमेटिक भी लेना पड़ रहा है, बिकॉज कोई फ्रेंड होता है या भाई होता है या फैमिली साथ होता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा मस्ती करते, पर अकेले आए हुए इसलिए हम लोग को सिर्फ सिनेमेटिक भी लेना पड़ रहा है। देखो कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इतना ज़्यादा खूबसूरत है मेरा फ्लावर्स। एंड यहाँ से देखना पड़ेगा, ये रहा पूरा मैप। सो चलते हुए हम लोग खोज रहे बनियान ट्री, एंड बनियान ट्री मेरे को वैसे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, जिसकी वजह से फेमस है बिग गार्डन वो नहीं मेरे को नहीं मिल रहा, बस वो मिल जाए। सो आज तो अभी तक मेरे को बनियान ट्री मिला नहीं है, एंड अभी तक हम लोग बस घूम रहे हैं। देखो पता नहीं कहाँ से कहाँ गए, पर अभी तक बनियान ट्री मिला नहीं मेरे को, दिखते खोजते रहते हैं। सो आज तो ये रहा द गेट बनियान ट्री, ये साइड शो कर रहा, तो ये साइड अभी हम जाने वाले हैं। यहाँ देखो एकदम पुराना टूटा हुआ, एकदम सामने में ना पुराना टूटा हुआ बिल्डिंग है, तो चलते हैं आगे एंड द गेट बनियान ट्री खोजते हैं। ये रहा फ्लावर्स, यहाँ खूबसूरत खूबसूरत मतलब फ्लावर्स का पर लिखा हुआ है एक तेज आगर के नाम। और अभी हम लोग एंड अभी मैं चलते हुए यहाँ सुखद गार्डन का, देखो ये साइड बस मोबाइल ना गिरे। बनियान ट्री छोड़ के हर चीज़ मिल गया यहाँ, देखो सब कुछ मिल रहा है, पर बनियान ट्री मेरे को नहीं मिला। अब मैं अब तक बनियान ट्री की तलाश में और अकेले में थक भी गया भाई बहुत ज़्यादा, आई विश की बनियान ट्री मिल जाए, लास्ट शॉट उसी कर लूँगा मैं, वरना कब से अकेला यहाँ घूम घूम के मैं बहुत ज़्यादा थक चुका, बहुत ही ज़्यादा। एंड ये क्या खूबसूरत मिला देखो, येलो फ्लावर एंड भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इतना साथ घूमते ना दोस्त लोग के कि मेरे को व्लॉग में हम लोग ही निकलता, पता नहीं आपने देखा होगा पहला पुराना वीडियो ही मेरा, अकेला ही मैं घूमता हूँ हम लोग ही निकलता है। तो मैं आ चुका हूँ बनियान ट्री खोजते खोजते एकदम ही आगे, फुल पत्ती वाला कपड़ा पहन करके फुल पत्ती वाले एरिया में, फुल पत्ती वाले एरिया। चलो ये सब साइड में थोड़ा पानी होने का है भी सुविधा, वरना भाई कसम से कहीं पे कुछ नहीं था। एंड यहाँ अभी भी कंस्ट्रक्शन चालू है रोड का, पर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा उसके बाद ये भी अच्छा हो जाएगा रोड। एंड ये रहा जो कि पूरा भाई ये फोटोग्राफी के लिए सबसे बेस्ट है, पूरे बिग गार्डन में सबसे बेस्ट प्लेस मुझे को लगा ये। बस अभी तक मेरे को बनियान ट्री नहीं मिला, बाकी सब कुछ मिला है सिवाय बनियान ट्री का कुछ नहीं मिला। बिग गार्डन से बाहर जा रहे हैं, बनियान ट्री मेरे को मिला नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ बाहर, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अकेले घूमने लायक ये एरिया नहीं है, कम से कम तीन चार दोस्त हो या फिर फैमिली हो तो ही मज़ा आएगा, पिकनिक के लिए सबसे बेस्ट है। एंड अब तो बहुत ही बेस्ट हो गया है घूमने के लिए मेरा दीवान लेक। यह लार्ज पाम हाउस जो कि बंद है, वैसे तो गेट बंद है, देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा बिकॉज फोटो में ना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा वीडियो में। सो आज तो मैं हूँ अभी लार्ज पाम हाउस के पास, लार्ज पाम हाउस एंड रवि तो ऐसे बंद है, खुला अगर होता तो अंदर का वीडियो बनाते, पर यह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ऐसे देखने में, आपको मालूम पड़ रहा होगा बिकॉज ऊपर से कवर कर दिया गया है, एंड अंदर में जो ये थोड़ा सा जो है ना फ्लावर एंड सब कुछ लगाया गया जो पेड़ सब है, तो अच्छा लग रहा है देखने में। ये रहा पी गार्डन, एंड ये रहा यहाँ का लेक कुंस्लुंग लेक।
एंड इस लेक का नाम तो नहीं लिखा हुआ है पर ये भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ फ्लावर्स है घूम सकते हो आराम से। चलते हैं आगे बिकॉज 4:40 हो गया, मेरे को बंद हो जाएगा। सोचो कितना देर से हम घूम रहे और अकेले बैठे हुए, कभी घूम रहे कभी शॉर्ट लेट, आपने देखना होगा व्लॉग में। तो यार बोर हो गया, बस बोर हो गया। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है ना, अंदर में कुछ खाने का नहीं है एंड पानी का बोतल मैं लेके आ रहा था वो भी लाने नहीं दिया। मतलब कुछ भी नहीं अंदर में, तो कुछ भी नहीं पानी का बोतल अभी मेरे को दिखा है, बोतल नहीं मतलब पानी का जो थोड़ा बहुत पीने के लिए बना हुआ है वो अभी मेरे को दिखा है। दोस्त लोग होता है तो बात करते हुए चल जाते हैं, अभी तो मैं ऐसे ही वापस से बात कर रहा हूँ और ये वीडियो आप लोग कल देखने वाले हैं। एंड ये रहा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, हमारे इंडिया के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। देखो एक फ़ोटो के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है इनको। एंड ये रहा द ग्रेट बनियान ट्री, पर ये भी बंद है। पता नहीं हर जगह को बंद क्यों कर दिया गया है, पहले तो इतना मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं था, अभी तो कुछ ज़्यादा ही बंद है भाई, हर जगह बंद है। चलते हैं अभी हम लोग द ग्रेट बनियान ट्री के पास है। एंड यही फेमस है, मेन पूरे बी गार्डन का जो सबसे फेमस चीज़ है वो है द ग्रेट बनियान ट्री। एंड दिस इज द ग्रेट बनियान ट्री, ऊपर बंद कर दिया गया है। वैसे तो पहले ऐसा नहीं था, पहले जहाँ तक मेरे को याद है कि हम लोग अंदर भी गए थे घूमे हुए बचपन में, पर अभी पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों बंद कर दिया गया। पहले शायद ये लाइन तक था देखो, एंड अभी एक्स्ट्रा लाइन कर दिया गया है यहाँ से एंट्री। चाहे तो दीवार फेंक सकते हैं पर गलत है, यूज डस्टबिन, कचरा जब भी फेंका तो डस्टबिन के अंदर, बाकी खूबसूरत है। अभी ज़्यादातर चीज़ ना बंद करके रखा गया है, ज़्यादातर में तार लॉक है, ज़्यादातर को मतलब इस तरीके से कवर कर दिया गया है। बाकी घूमने के लिए अच्छा है, पिकनिक के लिए सही है और ज़्यादातर फैमिली वाले ही यहाँ दिख रहे हैं मेरे को, तो पिकनिक के लिए सही है। सो यार चलते हैं बाहर। और बाहर आ चुके हैं, देखो ये रहा पूरा बाहर आ चुके हैं। मैदान में अस्सलाम वालेकुम। सो आज दुकान आ चुके हैं पी गार्डन से, मज़ा आ गया घूम करके अकेले। अस्सलाम वालेकुम। सो आज तो घर आ चुके हैं, पहले पानी पीना बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। सो आज तो घर आ चुके हैं। मम्मी क्या बना रहे आज? सूजी का हलवा, कटकटी वाला। हाँ। सूजी का हलवा कटकटी आज मेरी अम्मी बना रही है माशाल्लाह। वो तो भाई वेट करते हैं।